वही व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सैंडी हियर एंड यू आर वाचिंग टेक एस बी। तो गाइस आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं स्मिच की तरफ से आने वाला स्मार्ट एलईडी बल्ब। तो अगर तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर देते हो, अगर हम बात करें बॉक्स के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है ब्रांड की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और नीचे वाईफाई स्मार्ट आरजीबी बल्ब 10 वाट करके लिखा गया है। अगर हम बात करें बॉक्स के साइड की, तो यहाँ पर आज इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए रखे हैं, जैसे कि कंट्रोल्स प्लस यहाँ पर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा गाइस 60 मिलियन प्लस यहाँ पर कलर्स, कुछ इफेक्ट्स एंड यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर फीचर्स यहाँ पर दे रखे। तो अगर हम बात करें बॉक्स के लेफ्ट साइड की, यहाँ पर आपको जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ पर पैकिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है, लाइक ये प्रोडक्ट कब पैक हुआ था या फिर इसका प्राइस वगैरह एंड एक बार QR कोड भी यहाँ पर लिखा गया है। अगर हम बात करें बॉक्स के ऊपर की, यहाँ पर ऊपर तो कुछ भी अलग है नहीं, तो सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अनबॉक्स करते हैं, हमें सबसे पहले देखने को मिल जाती है गाइज ये एक यूज़र मैनुअल गाइड बुक, जिस जो कि एकदम छोटी है गाइज, यहाँ पर दो ही पेज है इसकी आपको देखने को मिल जाती है। और इसके सिवाय गाइज हमें बॉक्स के अंदर और कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम इसको कर देते हैं साइड में और बॉक्स के अंदर से अभी हम यहाँ पर बल्ब को यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये रहा हमारा जो है गाइस एकदम कॉम्पैक्ट सा बल्ब यहाँ पर, और एकदम लाइट वेट जो है यहाँ पर आपको बल्ब ये देखने को मिल जाएगा, एकदम बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आपको हाथ में लेते ही लगेगा ही नहीं कि एक स्मार्ट बल्ब है, आपको एक नॉर्मल बल्ब से भी ये हल्का देखने को मिल जाता है गाइस। तो यहाँ पर उठाने के बाद ही मेरे को पता चला गाइस कि मेरे को लगा कि ये एक नॉर्मली बल्ब होगा, लेकिन यहाँ पर ये एक स्मार्ट बल्ब है गाइस और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। एंड इसका जो होल्डर है गाइस आपको ये इंडियन होल्डर की तरह ही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें बॉक्स के लाइट के फ्रंट की, तो यहाँ पर आपको इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड पीछे की साइड यहाँ पर कुछ बारीक अक्षरों के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिख रखे। तो गाइज इसके होल्डर को आपको प्लग करने के लिए इंडियन होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी गाइज, और कोई B22 या फिर और कोई भी होल्डर नहीं है गाइज, आपको डायरेक्ट आपके होल्डर में ही लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम इसको प्लग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लग इन करने के लिए कुछ इस टाइप का होल्डर चाहिए रहेगा, तो यहाँ पर अभी हम सिंपली से इसको प्लग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही प्लग इन कर देंगे तो गाइज मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो है स्विच को ऑन कर देता हूँ गाइज। तो यहाँ पर स्विच को ऑन करती गाइज यहाँ पर आपको रैंडम कलर इफेक्ट या फिर आपको कोई भी कलर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने अपनी डेस्क की मेन लाइट वाली ऑफ कर दी है, तो यहाँ पर आपको रेड कलर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये माय स्मिच करके एक एप्लीकेशन आता है उसको इंस्टॉल कर लेना है गाइज एंड ये लोकेशन की परमिशन मांगेगा, आपको इसको अलाउ कर देना है। देन आपको एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड लगा देना है एंड आपका एक नंबर लगा देना है बस ये। उसके बाद ये ऐप आप जब भी खोलोगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, लाइक आप 60 मिलियन कलर में से कोई भी एक कलर को यहाँ पर चूज़ करके उसका ब्राइटनेस को जो यहाँ पर कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मैं जो से ही ब्राइटनेस को कम कर रहा हूँ, और आपको वीडियो गाइस फ्लिकर भी लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो है एकदम ओरिजिनल लाइट का यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पर मेरे स्मार्टफोन का कैमरा जो है फ्लिकर कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो अभी हम जिस भी कलर को यहाँ पर टैप करेंगे वही वाला कलर आपको देखने को मिल जाएगा उस लाइट के अंदर। तो यहाँ पर एकदम फास्ट ये गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर आपको डिले वगैरह देखने को मिल जाता है एंड नीचे आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें गाइज इसके और, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लाइक आप इसको वार्म कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप कूल टोन के अंदर भी इसको ले जा सकते हो। अगर हम बात करेंगे गाइज इसके और, तो यहाँ पर आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर रैंडम कलर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके रैंडम में से कोई भी कलर यहाँ पर एक लग जाएगा गाइज। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ऑटोमेटिक से एक के बाद एक प्ले होता जाएगा। और अगर हम जैसे कैंडल इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैंडल का कोई भी एक कलर आपका कैंडल इफेक्ट के अंदर चल जाएगा, लाइक आपका बल्ब फ्लिकर करेगा, मतलब ऐसा ऑन ऑफ एकदम फास्टली करेगा, तो आपको कैंडल वाला इफेक्ट भी यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना है, मैं मिलता हूं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो दिस इज मी सैंडी फ्रॉम टेक एस बी एंड आई मिस यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।